योगी भीतरघाती थे, जब उन्होंने जिंदाबाद के नारे तो उन्होंने बीजेपी के लिए लगाए, लेकिन अंदर से बीजेपी को उन्होंने कमजोर करने का काम किया। दूसरी बड़ी बात है कि जब हम कुछ गलत किए नहीं है तो हम डरे क्यों? कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसा आरोप लगा रहा होगा? और मैं तो यही बोलूँगा कि जो छलनी टाइप के लोग रहते हैं, जो छलनी का काम करते हैं। मैं रवि तिवारी, चुनाव संपन्न हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो बिरजानवागढ़ की सीट हार गई है। इस मैटर को लेकर तमाम तरह के कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप भी लग रहा है, राजनीतिक उठापटक भी अभी भी जारी है। जिस तरह पिछले दिनों आपने जो जनपद पंचायत की अध्यक्ष नेहा सिंगल जी का इंटरव्यू देखा था, आज इसके बाद हमारे साथ भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माकन कश्यप जी भी हैं, उनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। योगी जी, वोकल टीवी आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। मेरा योगी जी, जिस तरह से वोकल टीवी पर चुनाव से पहले बैठकर आपने भी बड़ा बड़ा दावा किया था, आपने भी ताल ठोका था, दावों के ताल आपने भी ठोके थे कि इस बार बिरजानवागढ़ जीत रहे, आखिर 816 वोट से हार कैसे हुई? देखिए, हमने जो बात रखा था वोकल टीवी के माध्यम से, वो रवि जी आपको ही पता है कि मैं छत्तीसगढ़ में 52 से 55 सीट आएगा करके मैं बोला था। नहीं, आपने कहा था वो हमने 52 से 55 सीट के बीच 54 सीट लेकर के आए, और जिस क्षेत्र के हिसाब से मैंने जो आंकड़ा दिया था वो भी 100% सही हुआ। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि हम बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में हार गए, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावी मुद्दा रहा है धान का, और जनक ध्रुव के सतत संपर्क जो 10 साल का परिश्रम है उसका परिणाम मिला है। योगी जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह से प्रदेश में पहली बार एक आदिवासी को, आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय जी, उनको कमान सौंपी गई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप ने, केंद्रीय नेतृत्व के लीडरशिप के कारण से आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आदिवासी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो सांसद रह चुके हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश के हर एक कार्यकर्ता उनको अच्छे से जानते हैं, सौम्यता के प्रतीक हैं, बहुत सौम्यता है, बहुत आशावादी विचारों के धनी हैं, जो सबको लेकर के चल सकते हैं, बहुत गुणी व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के मुखिया बनाना हम सबके लिए, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश का निश्चित तौर पर उन्नति होगा, और जो भी हमने घोषणाएँ की हैं एक एक करके सारे घोषणाओं को क्रियान्वयन करेंगे। योगी जी, तो राहे पर एक चीज़ की चर्चा ये भी है कि डॉक्टर योगी ने भीतरघात का काम किया है। डॉक्टर योगी को आरोप ये लग रहा है कि डॉक्टर योगी भीतरघाती थे, जब उन्होंने जिंदाबाद के नारे तो उन्होंने बीजेपी के लिए लगाए, लेकिन अंदर से बीजेपी को उन्होंने कमजोर करने का काम किया, और कहीं ना कहीं डॉक्टर योगी के भीतरघात के चलते अब बीजेपी की हार हुई, ऐसा आरोप डॉक्टर योगी के ऊपर लग रहा है। इस पर डॉक्टर योगी का हम जवाब चाहेंगे। देखिए, लोगों को जब कुछ नहीं मिलता है तो आरोप लगाना चालू कर देते हैं, और ये ऐसी आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। और मैं जितना काम किया हूँ, युवा मोर्चा, जब आप भी खुद देखा होगा यहाँ पर संगठन कमज़ोर था, तो युवा मोर्चा ने संगठन को पूरे 3 साल संभाला है, और मेरे पूरे काम धाम छोड़ करके मैं काम किया हूँ दिन रात, तो और चुनाव के समय में मैंने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया। आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं प्रत्याशी के साथ भी रहा हूं और उनके साथ भी काम किया हूं, और सारे संगठन के जितने बड़े आए अधिकारी उनके साथ भी मैंने काम किया है, और दिन रात हमारे समाज के लोग भी जाकर के प्रचार किए, सामाजिक गाड़ियां भी चली, सामाजिक बैठक भी हुई, मैं भी उनके साथ चला, प्रत्याशी के साथ भी चला। उसके बावजूद भी कोई अगर आरोप लगा रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई होगा। आरोप लगाने वाले लगाते रहे, हम सहन कर रहे हैं, सहन करेंगे। हाँ, संगठन जिस दिन कुछ स्पष्टीकरण मांगेगा बिल्कुल हमको देंगे। और दूसरी बड़ी बात, संगठन के सारे लोगों को पता है कौन काम किया है, कौन नहीं किया है, इसमें कुछ मेरे को लगता नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब हम कुछ गलत किए नहीं है तो हम डरे क्यों? योगी जी, आप मार्केट में इन बातों की भी चर्चा है, आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है दबी जुबान पे ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर योगी भाजयुमो के जिला के मुखिया हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनकी जिलाध्यक्ष की कमान अभी उनके कंधों पर है, लेकिन चनाभाटा जो आपका गृह ग्राम है वहाँ पर कांग्रेस को लीड मिला, बीजेपी वहाँ पर लीड में नहीं थी, तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर योगी का जो प्रभाव था, डॉक्टर योगी का प्रभाव उन्हीं के गृह ग्राम में नहीं दिखा, ऐसा आरोप आपके ऊपर है। देखिए रवि जी, मेरे गृह ग्राम का जो आंकड़ा है
1950 से जब चुनाव हो रहा है तब से कांग्रेस को कभी लीड नहीं मिला है, हमेशा सॉरी बीजेपी को कभी लीड नहीं मिला है, हमेशा कांग्रेस ही जीतती रही है वहाँ पर। और अभी का समीकरण ऐसा था कि जो समीकरण बने थे वो समीकरण के आधार पे हमारे भाई साहब भी वहाँ पर पहुँच नहीं पाए चुनाव प्रचार के लिए, हमारे गांव में नहीं आ पाए। और दूसरे भाई साहब नहीं पहुँच पाए, आदरणीय गोवर्धन सिंह मांझी जी जो हमारे प्रत्याशी हैं। और आपने नहीं कहा क्या उनको वहाँ पे चुनाव प्रचार के जाने के लिए? नहीं, मेरे द्वारा कहा गया था उनको और मैं जानकारी भी दिया था स्थिति ऐसी है करके, पर किसी कारणवश व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण से नहीं आ पाए। जबकि अपोनेंट ने दो बार आकर के वहाँ पर बात किया और गांव के जो मांगे हैं उनको पूर्ण करने का आश्वस्त किया, तो गांव के लोग ऐसे भी पहले से कांग्रेसी हैं तो उन्होंने और ज़्यादा प्रमोशन करना, क्योंकि स्वभाव आप भी गाँव में रहते हैं आप भी जानते हैं कि जब कोई प्रत्याशी सामने हो और वो गाँव नहीं आए तो लोगों की मानसिकता एक गलत बन जाता है कि भाई नहीं आ पाए तो हम कैसे करें क्या करें ऐसे करके। मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया, समझाने के परिणाम स्वरूप, लोगों से बात करने के परिणाम स्वरूप, क्योंकि शुरू में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक तरफा न चले जाए, बहुत ज़्यादा लोगों से बात किया, बहुत समझाने की बात किया। और दूसरी बड़ी बात कि दो जाति के लोग हमारे गाँव में मूलतः बहुत ज़्यादा अरब रहते हैं, और एक तो ध्रुव गौड़ और एक तो अमाद गौड़, तो उनका समीकरण एक समीकरण ऐसा था आदरणीय भैया साहब का कि एक समाज के लोग से हम लोग को बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा करके, तो मुझे भी आश्वासन था कि चलो भाई अगर उनका वोट हमको मिलता है तो हम अच्छे मार्जिन से हमारे बूथ को लीड करेंगे करके, ऐसा मैं भी सोच रहा था। परंतु वो जो समीकरण बनाया था वो समीकरण फेल हो गया और वो आए भी नहीं, उनके कुछ बातें हुई थी तो वो भी नहीं हो पाई पूरी, तो ऐसे सब कुल मिलाकर के बहुत सारे त्रुटियां जो हुई उसके कारण से थोड़ा सा लोगों में निराशा। और कांग्रेस के फेवर में हमारे गांव में जो किसान बंधु हैं उनके जो कर्जा माफ़ी के जो लालच है उसने कांग्रेस को ज़्यादा बढ़त दिला दी। योगी जी, राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चा है, क्या राजनीतिक गलियारों की चर्चा की बात बता रहे हो योगी जी? मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। योगी जी, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि आप बीजेपी के साथ घूमते थे, बीजेपी कैंडिडेट के साथ आप घूमते थे, लेकिन वहाँ की खबरों को बकायदा आप कांग्रेस तक पहुँचाते थे और आपने अंदर खाने से कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, योगी जी क्या कहना चाहेंगे? कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसा आरोप लगा रहा होगा? और मैं तो यही बोलूँगा कि जो छलनी टाइप के लोग रहते हैं, जो छलनी का काम करते हैं, अपने आप को किसी के करीबी मान करके इधर की बातें को उधर करते हैं, ऐसे लोग हो सकते होंगे, पर मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने चुनाव में काम किया है। अगर आज परिणाम विपरीत हुआ तो लोग मुझे आरोप लगा रहे होंगे तो अलग विषय है, परंतु मैंने प्रत्याशी जी के साथ आदरणीय गोवर्धन मांझी जी के साथ बैठा था, बात किया था, पर उनके ऐसा तो मेरे कोई विचार नहीं लगे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भी ये बात को बताया है, बहुत सारे लोग मेरे को भी जानकारी दिए हैं, जैसे मीडिया में चल रहा है। क्या जानकारी दी आपको? कि आपका नाम ऐसा ऐसा आ रहा है, आप क्या सही है क्या गलत है? क्या नाम आ रहा है आपका नाम, मतलब जो आपने अभी आरोप लगाया? क्या आरोप बताइए ना, क्या 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 आपने आरोप लगाया? मैं अब उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ रवि जी, आपने आरोप लगाया वो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सियासी गलियारों की चर्चा को बता रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, आरोप लगाना आरोप लगाने वालों की है, हमने निष्ठा के साथ पूरे तन मन धन के साथ काम किया है और ये हमारा 100 में 100% हमने दिया। हार हमको सामना करना पड़ा, उसके लिए हमको भी बहुत दुख है, हमको भी खेद है। ऐसा नहीं है कि हमको इस विषय की जानकारी, हमने समीकरण को बदलते हुए भी बहुत देखा, समीकरण को बनाने के लिए भी बहुत प्रयास किए और बहुत सारे खामियां थे उनको भी दूर करने का प्रयास किए, पर मार्जिन बहुत कम रह पाया। और हम चाहते थे, हम यही आकलन लगाए थे कि हम लोग जीतेंगे तो भी 500,000 वोट से ही जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे करके परिणामतः उल्टा हो गया। योगी जी, जो भाजपा के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, आपको चाणक्य कहते हैं, आपको जब भी आपके मैटर में बातचीत निकलती कहा जाता है कि डॉक्टर योगी राजनीति के चाणक्य हैं, वो आपको राजनीति के चाणक्य मानते हैं, तो मैं राजनीति के चाणक्य से पूछना चाहूंगा कि बिंद्रा नौगढ़ में हार का कारण क्या रहा? हार का 3-4 मुख्य कारण है रवि जी। पहली बात यह है कि जो इधर का कर्जा माफी था, धान के प्रभावशाली था इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में बिंद्रा नवागढ़ में। दूसरा विषय यही था कि जो हम लोग एक समीकरण बना करके चल रहे थे आदरणीय हमारे प्रत्याशी महोदय जी द्वारा,
वो कहीं पर फैल हो गया, कहीं पर उसका आकलन सही नहीं हो पाया। और हमको जो शुरू में विरोध का सामना करना पड़ा कुछ समुदाय के द्वारा, तो उसमें भी हम लोग समुचित रूप से अच्छे से संगठन को उनको समझाने, और समुदाय को अब मैं नाम नहीं बताता हूँ, वो सब चीज़ें आप बता दीजिए, मीडिया में बात कर रहे खुल के बता दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे, चलिए जब बताएंगे तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। अब बताइए आगे आपकी बात को कंटिन्यू रखिए। वैसे दो चार चीज़ें हैं जो इसके कारण से हुए, और बहुत जगह में ऐसा था कि जो उनके समाज के वोट भी नहीं मिल पाया, तो कुल मिलाकर के लोगों के जो मानसिकताएं थी तो वो मानसिकताएं प्रभावी रही। और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यही रहा कि धान खरीदी और धान के जो कर्जा हैं क्षेत्र में बहुत व्यापक मात्रा में किसान हैं जहां पर हमारा वोट बैंक है उस क्षेत्र में। आपके पार्टी के पूर्व विधायक दामोदर तिवारी जी के ऊपर भी सरकार का आरोप लगता है, कहना चाहेंगे क्योंकि आप संगठन के एक बड़े पद पर बैठे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की बातें जो पुजारी के ऊपर आरोप लग रहा है उस बात से आपको क्या समाज रहे हैं? देखिए मैं इन विषयों पे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अगर लगा हुआ है तो संगठन के पास अगर कोई शिकायत गया है तो उसमें उसकी पुष्टि होगी और वो जो आरोप लगाने वाले उनकी जानकारी देंगे और संगठन उसके अनुरूप निर्णय लेगा, चाहे मेरे ऊपर भी क्यों ना हो। अगर जो आरोप लगाया है और जो शिकायत किया है वो उसकी मेरे जो मैं गलत काम किया होगा तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं होगा तो उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। योगी जी गोवर्धन मांझी जी को बताया था क्या किया, यहाँ यहाँ हम लोग कमजोर हैं, कभी चर्चा होती थी तो आपने बताया था क्या? बिल्कुल मैंने सारे जानकारियाँ दी थी उनको, और मैंने हमेशा चिंता व्यक्त किया था कि हम ध्रुआगुड़ी के उस पार कैसे हम लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इधर का आंकड़न तो हम लोग 50-50 था, किसी एक बूथ में हार रहे थे किसी एक बूथ में जीत रहे थे, तो हम लोग चिंतित थे कि अगर उधर से लीड ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग इधर नहीं पाट पाएंगे। तो उनसे मैं कई बार, एक बार नहीं कई बार चर्चा हुई, और हमेशा उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम अच्छे बढ़त के साथ उधर से आएंगे, मतलब कांग्रेस हमसे पीछे रहेगा हम बढ़त के साथ आएंगे, ऐसा उनका था। तो हम लोग को क्या लगा कि भाई हम बढ़त के साथ आएंगे मतलब हम जीत रहे हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पिछले दिनों हमने जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष नेहा सिंगल मैडम का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने साफ कि यदि नए चेहरे को मौका मिलता तो बीजेपी बिल्कुल ही अपने किला को बचा लेती। जनपद अध्यक्ष के बयान, देखिए संगठन के निर्णय सर्वोपरि होता है, संगठन ने जो निर्णय दिया और उसको अमल करने के लिए हम सब कार्यकर्ता उतरे तो वो एक वो रहता, परंतु क्षेत्र में जिस तरह से एक नाम के से थोड़ा सा जो आक्रोश था और कुछ चीज़ें थी तो कहीं ना कहीं हम सब ने उसको सब चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश किया। क्यों मांझी जी के नाम को लेकर आक्रोश था? अब वो मेरे को जानकारी नहीं है। नेहा सिंगल मैडम के बयान रूप में देखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यदि नए चेहरे बीजेपी दाव खेलती तो बीजेपी बिरानागढ़ जीत जाती, उनका ऐसा बयान था। योगी जी बातों को गोल गोल ना घुमाइए, इन जो उनका जो बयान था उस बयान का किस रूप में देखते हैं इसको बताइए। और मैं इसमें कुछ बोलना भी नहीं चाहता, बयान का कोई अब समय रहते कुछ होता तो अच्छा रहता। जी जी से मुलाकात कर उनको क्लियर किया था क्या कि जिस तरह का आरोप मेरे ऊपर लग रहा है मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है करके? मैं क्यों क्लियरिफाई करने जाऊँ? आपकी मुलाकात उनसे हुई है कि नहीं? हमारी सामान्य चर्चा, एक्चुअली चुनाव के दिन साथ में थे अपन गणना के समय, उसके बाद मैं रायपुर चला गया था, हॉस्पिटल वर्क था मेरा, तो वहीं से बाद में आया तो दूसरे तीसरे दिन मेरे को जाना हुआ, तो हम लोग गए तो उसी समय सामान्य चर्चा हुई, इन विषयों को लेकर के चर्चा हुई, पर ऐसा कोई बातें नहीं हुई कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। पर बाकी जो बातें बाद में अभी समझ में आ रही है बताया जा रहा है तो थोड़ा सा मन को बहुत टीस होता है कि ऐसे संबंध होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति इस तरह के भाव रख करके काम करना ये कितना बड़ा मतलब बात है, मतलब आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह का आरोप मेरे ऊपर भीतरघात का आरोप लगाया जा रहा है यदि कोई सबूत लाकर पेश कर दे तो निश्चित तौर पर मैं खुद, यदि सबूत मेरे सामने आ जाता है या यदि कोई सबूत पेश करता है तो मैं खुद अपने पद से त्याग पत्र देने को तैयार हूँ। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवो।